पौड़ी की, जहां पर मुख्यालय के डीएम कार्यालय में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में चिन्हीकरण के लिए लंबित प्रकरणों को जिला अधिकारी के साथ समिति के सदस्यों की बात की गई है। समिति के सदस्यों में वीरा भंडारी ने कहा कि प्रशासन ने 149 लोगों का चिन्हीकरण किया है, जिन्हें राज्य की आंदोलनकारी कार्ड भी जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कार्ड धारकों को सभी सुविधाएं मुहैया हो रही है, लेकिन अभी तक उन्हें पेंशन नहीं मिली है। भंडारी ने कहा कि इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है तो कुछ लोग नौकरी पर लग चुके हैं। उन्होंने बताया कि जिला अधिकारी ने फिर से प्रकरणों पर जांच की बात कही है। पौड़ी से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। की बैठक नहीं हुई थी, उसमें माननीय एसपी साहब के दस्तखत है, माननीय सीएमओ साहब के दस्तखत है और जिला अधिकारी जी के दस्तखत से वो कार्ड इशू हो रहे थे। उसमें जो है ये लोग अंकुश लगा रहे कि नहीं, जिसमें जांच, अब ये कह रहे कि जांच, अब दूसरा विषय कह रहे जांच, कितनी बार वो जांच होगी? आज 4 बार वो जांच हो चुकी है और जांच में क्या पाएंगे? वो लोग कह रहे कि तुम अपना फिर दोबारा से मेडिकल लाओ। हमारा सरकारी हॉस्पिटल में, हमने उस समय उत्तराखंड के आंदोलन में ये था कि साहब जब आंदोलन चल रहा था, चरम पे था, तो लोगों ने वहां पे कई लोगों ने अपने उल्टे नाम बताए। उस समय लोगों ने, जब हमारे कर्मचारी जेलों में बंद हो गए थे, तो लोगों ने पैसे दे के जो है अपना नाम वहां से कटवाया है। हॉस्पिटल में लोगों ने 4 दवाई की गोली ली और 4 दवाई गोली। शासन स्तर से लंबित प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए जो निर्देश मिले, उसी क्रम में हमारी जो बैठक हुई थी, उसमें विभिन्न प्रकरणों पर कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने डिस्कशन भी किया और उसमें हमारी जो सहमति बनी है कि LIU की रिपोर्ट के बेसिस पे अगर पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती हैं तो उस आधार पर हम लोग नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, उस मीटिंग में जो हमारे पात्र केसेज हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। सर, जो आंदोलनकारी हैं, चिन्हित आंदोलनकारी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बैठक हुई उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिख रहा है और वो धरना प्रदर्शन अभी भी उनका भार में